हेलो प्यारे बच्चों, और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। और आज हम बात करेंगे हॉट क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो होता है उसके अंदर कुछ हॉट क्वेश्चंस होते हैं और आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लूँगा आज के वीडियो में। बस मैं दो ही क्वेश्चन लूँगा, आप अच्छी तरीके से उसको समझ लेना। दैट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नंबर्स, जैसे समझ लो कि यहां क्वेश्चन है, सम ऑफ द टू नंबर इज 60, द ग्रेटर नंबर इज 8 मोर देन थ्राइस द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर। कुछ लोग इसको देखते ही सॉल्व कर पाएंगे, कुछ लोग इसको देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हो कि ग्रेटर नंबर जो है इसको क्या कंसिडर करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे, और स्मॉलर नंबर को वाई कंसिडर करो। क्लियर सर? हमें यह समझ में नहीं आता कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्क कैसे करें। मैं आपको समझाता हूं। देखिए कि जब दो अलग अलग कंडीशंस देके रखें तब आपको लीनियर इक्वेशन करना है। कभी कभी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसा होता है, तो उस समय भी आप लीनियर करते जाना, बाद में अपने आप वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स को हम आगे ले जाके स्टडी करेंगे। यदि आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना और आपके दोस्तों में शेयर करने को मत भूलना। क्यों? क्योंकि मैं जो हॉट्स क्वेश्चन लेने वाला हूँ पूरे अलजेब्रा के, पूरे ज्योमेट्री के, 10th स्टैंडर्ड के और 9th स्टैंडर्ड के भी कुछ क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ। इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि हॉट्स क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहना और ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या आप रेडी हैं? तो चलो फटाफट देखते हैं। सम ऑफ द टू नंबर इज 60, द ग्रेटर नंबर इज 8 मोर देन थ्राइस द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कि यहां बोला है सम ऑफ टू नंबर्स इज व्हाट 60। इसका मतलब है एक नंबर x होना है और दूसरा नंबर y होना है, लेकिन यहां बताया गया कि ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। तो हमें लेते वक्त ही ऐसा लेना है, लेट ग्रेटर नंबर बी x, ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर बी वाई। सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, सम इज 60, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन व्हाट इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, x प्लस y इज इक्वल टू 60, दिस इज व्हाट स्टेटमेंट नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1। आगे देखें, आपको बताया गया है कि द ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर नंबर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, व्हाट इज सेकंड कंडीशन, ग्रेटर नंबर इज मतलब इज इक्वल टू 8 मोर देन, यानी कुछ प्लस छोड़ दो, प्लस 8 लिखो, 8 मोर देन थ्राइस द स्मॉलर नंबर, थ्राइस मतलब 3 इंटू और स्मॉलर नंबर यानी y। तो यानी इक्वेशन कैसे बन गया, x इज इक्वल टू 3y प्लस 8। इसको अपने फॉर्म में लिखो, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। समझ में आ गया? अब आपके पास ये दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे, उसमें आप x x देख रहे हो, उसके कोएफिशिएंट 1 1 है और उसके साइन क्या है, सेम है यानी प्लस है, सेम कोई भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यह सेम है। तो हम क्या चुनेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो आप यहां सब्ट्रैक्शन के लिए लिखेंगे, मैं आपको यहां लिख देता हूं, x प्लस y इज इक्वल टू 60 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब इसकी सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन के वक्त आप क्या करेंगे, दो लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों दो लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या रीजन है, क्योंकि आप जब साइन चेंज कर रहे हो, नीचे का इक्वेशंस का क्या करना है, साइन चेंज करना है। जैसे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करो। तो आपको पता चलेगा एक्स एक्स कैंसिल होगा, 3 और 1 क्या होगा, 4y होगा। सर कैसे, ये देखो इसका साइन चेंज हो गया है, तो
तो ये प्लस है, हम हॉट सॉल्व कर रहे हैं बाय द वे, ओके। तो इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं, तो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। 60 और 8 दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो आपको 52 मिलेगा, इज इट क्लियर? तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 52 डिवाइडेड बाय 4। तो y इज इक्वल टू 4 का टेबल आपको आता है, 4 13 52, सो यहाँ आएगा 13। तो क्या आपके पास कौन सा नंबर आ गया, स्मॉलर नंबर आ गया। पुट दिस y मीन्स वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1, तो व्हाट यू विल गेट, 30x + 13 = 16। तो 13 कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाएगा, तो क्या आएगा इधर, x = 60 - 13। आपको पता है कि x 60 में से 13 गया, व्हाट इज द आंसर विल बी, तो 10 - 3 = 7 एंड 6 - 2 = 4, तो 47 विल बी द आंसर। सो आप आंसर लिखेंगे लास्ट में, आंसर क्या लिखेंगे, द टू नंबर्स, द ग्रेटर नंबर इज, आप ऐसे डिटेल में लिख सकते हो, ग्रेटर नंबर इज 47 एंड स्मॉलर नंबर इज व्हाट, 30। तो आप इसको बॉक्स करो, आंसर को बॉक्स करना इंपॉर्टेंट, इक्वेशंस को बॉक्स करना, इससे क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को चेक करने के लिए आसानी होगी। क्या आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो यदि आपको, और फिर सिर्फ स्क्रीनशॉट निकाल के मत रखो, उसको सॉल्व करो। व्हेन यू प्रैक्टिस यूअर मसल्स विल गेट रेडी टू सॉल्व द एनी अदर एग्जाम्पल एज वेल, रेडी? तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है सम ऑफ द टू नंबर्स। क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ द टू नंबर इज 97, इफ द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, द क्वेश्चन इज 7 एंड द रिमाइंडर इज 1। कितने लोगों को पता है कि यदि क्वेश्चन, डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर ये कॉन्सेप्ट है, तो वहां आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करनी है जो कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है कि दो नंबर की बात करनी है, तो हम यहां लिखेंगे लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स स्मॉलर नंबर बी वाई, ओके, एंड सम ऑफ द टू नंबर इज 97, व्हाट्स दैट, 97। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 97, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। तो यहां मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, शायद आपको पता होगी, तो क्या है जरा बताइए, डिविडेंड लिखो इसमें चैट बॉक्स में, या जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, और आगे क्या है, प्लस रिमाइंडर। यानी आपके पास ये फॉर्मूला होना जरूरी है, और आपको पता होना चाहिए कि ये कब यूज करना है, कब यूज करना है, जब आपको इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। देखो, व्हेन यू सी द समथिंग मेनी टाइम्स यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज, इफ यू सी समथिंग वन टाइम और इफ यू डू समथिंग वन टाइम यू विल नॉट एबल टू सॉल्व इट प्रोफिशिएंटली, इज इट क्लियर? It's very important that you should have to practice. The greater number is divided by. So what the greater number is? X dividend is divided by smaller number. What is the smaller number? Y. What is the quotient is? Into 7. What is the remainder is? 1. Yani what is the answer is? X directly main likh du minus 7y is equal to 1. I have written directly. Please understand it. 7 into y, that is 7y, I have taken it on the left side, it become minus. Now we have two different equations. Observe these two different equations. Equations ko box karna hai. Kyo box karna hai? Kyunki box karne se aapko clarity aati ki kya uthana hai. Baki cheeze aap bhul jate ho aur important cheeze aapko yaad rehti hai. To equation 1 aur 2 ka kya karna hai? Subtraction karna hai. Kyun subtraction karna hai? Kyunki x aur x dekhenge to unke coefficient same hai, lekin sign bhi same hai.
ओके वाई और वाई का कोएफिशिएंट अलग अलग है तो फिर कोएफिशिएंट सेम करना कोई जरूरत नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 97, एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड सब्ट्रैक्शन। आप ऐसा भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको दो लाइन ड्रॉ करने हैं, किस लिए ड्रॉ करने, ताकि आप साइन को चेंज करने के लिए जगह दे दो। ये प्लस है, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ क्या होगा जरा देखिए, जरा समझिए अच्छी तरीके से, ओके यू विल गेट आइडिया। एक्स एक्स विल गेट कैंसल, सो इट इज व्हाट, 8y इज इक्वल टू, ओ सॉरी इज इक्वल टू 97, तो यहां क्या आएगा 96 आएगा, 97 माइनस 1 इज 96। तो आप यहां क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 8। आपको पता है y इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 एट्स, ओके गुड, तो आपका टेबल ठीक होगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। यदि टेबल ठीक नहीं होगा तो टेबल को ठीक करना पड़ेगा और ये आपकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी टेबल को ठीक करना। देखो मुझे क्या नहीं आता ये मुझे पता होना चाहिए और जो नहीं आता उसके ऊपर काम करना चाहिए। काम कैसे करते, चाहे तो आप मेरे से बात कर सकते हो या आप किसी से भी पूछ सकते हो कि किसी भी चीज़ को यदि आपको नहीं आ रहा है तो उसको कैसे करना है समझ लो और उसको करते रहो तब तक जब तक आप उसमें एक्सपर्ट ना बने। तो पुट y इज इक्वल टू 12, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ, x प्लस 12 इज इक्वल टू 97, तो x इज इक्वल टू 97 माइनस 12, एम आई बीइंग राइट, चेक इट, ओके। तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 माइनस 2 इज 5 एंड 9 माइनस 1 इज 8, तो 85। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स, तो हमारे पास नंबर्स आ गए, द ग्रेटर नंबर इज, तो हम यह आंसर्स में लिखेंगे, क्या आंसर्स में लिखेंगे जरा देखिए, ग्रेटर नंबर इज, द ग्रेटर नंबर इज 85 एंड स्मॉलर नंबर इज व्हाट 12। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और यदि कुछ आप चाहते हो कि हाँ सर कुछ अलग भी कुछ क्वेश्चंस करें तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये पर्टिकुलर चैप्टर को वापस रिवाइज करिए, इस चैप्टर के बारे में ज़रा बताइए, तो आई विल गाइड यू और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ये मुझे पता है। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, वैसे सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रखना कोई सेंस नहीं बनता है, आप इसको सॉल्व करना जरूर, सॉल्व करके देखें, ठीक है, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, चलेगा, थैंक यू।